सो गाइस वेलकम बैक। आज का जो हमारा लेसन टू है वो है बेसिक्स। सो गाइस स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर। सो गाइस ये मुख्तलिफ डिज़ाइन के होते हैं, टावर, डेस्कटॉप। गाइस ये होती है कंप्यूटर का हार्ड डिस्क। इसका इंटरनल व्यू है कंप्यूटर हार्ड डिस्क HDD मीडियो से हार्ड डिस्क ड्राइव। सो गाइस ये 7200 RPM होती है यानी कि राउंड पर मिनट लैपटॉप की स्लिम हार्ड। सो गाइस ये होती है रैम जो DDR1, DDR2, DDR3 एंड DDR4 होती है। ये है DDR1 रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। DDR1 स्पीड जो होती है 1600 से 3200 होती है। DDR2 जो होती है 3200 से 6400 होती है। और इसी तरह से जो DDR3 होती है वो PC3 8400 से 12800 होती है। और इसी तरह से DDR4 PC4 12800 से 21333 होती है। इसी तरह से ये सेकंड पिक्चर है गाइस। इसके अंदर ये जो है इसके कह लें प्रोसेसर स्लॉट, CPU सॉकेट। ये जो है ये इसके सिंकर्स, जहाँ पे क्या कहते हैं प्रोसेसर के ऊपर हीट को अब्जॉर्ब करने के सिंकर लगाया जाता है। ठीक है गाइस, ये पोर्ट, सीरियल पोर्ट। ठीक है, ये देखें ये लिखा हुआ है सीरियल पोर्ट, कॉम पोर्ट। ठीक है, ये सीरियल पोर्ट है। ये जो है ऊपर ये पैरेलल पोर्ट है। सीरियल पोर्ट कॉम पोर्ट सेम होती है। ठीक है, ये है पैरेलल पोर्ट जिसके अंदर आप कह लें कि मॉनिटर वगैरह वो प्रिंटर वगैरह लगते हैं। ये है PS2 पोर्ट जिसके अंदर पुराने ओल्ड ज़माने के जो अभी कीबोर्ड माउस वगैरह थे वो लगते थे। ये USB पोर्ट्स। ठीक है, ये इंटरनेट पोर्ट, ये USB पोर्ट्स, ये साउंड माइक इन, ये स्पीकर इन, ये डुओ इन। ठीक है, ये आपका जो है CMOS सेल बैटरी जो आपकी टाइमिंग वगैरह बायोस की सेटिंग सेव रखता है। ये आपकी AGP स्लॉट। ठीक है, ये आपका साउथ ब्रिज है जो आपको मेन फंक्शनल है, जिस तरह इंसान का जिगर होता है उसी तरह ये मेन इसका पोर्ट है। ये PC स्लॉट है, 5 पोर्ट्स। इसके अंदर आप साउंड कार्ड वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये रैम स्लॉट है, ये DDR1 रैम स्लॉट है। ठीक है गाइस, 3200 से लेके 1600 से 3200 तक। ठीक है, ये 20 पिन जैक के, इसके अंदर 24 पिन जो है जो आता है वो लेटेस्ट बोर्ड में आता है। ये इसका पावर सेट है। इसी तरह से ये ID स्लॉट्स हैं। ठीक है गाइस, और ये इसका हीट सिंक, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, नॉर्थ ब्रिज। ठीक है गाइस, सो गाइस ये इसका जो है लेटेस्ट है। इसके अंदर आपको देखने को मिला होगा ये 24 पिन जैक जो मैं आपको बता रहा था, 24 पिन जैक कनेक्टर। ठीक है, ये ID कनेक्टर और ये SATA कनेक्टर है गाइस। इसके अंदर SATA जो है पोर्ट्स वगैरह भी हैं आपकी। ठीक है, ये आपकी बायोस है। ठीक है, बायोस लगती है यहाँ पे, ये बायोस फ्लैश IC होता है इसका। ठीक है, इसी तरह से ये इसकी लेटेस्ट i-सीरीज़ की जो सॉकेट है, प्रोसेसर सॉकेट, जिसको हम कहते हैं Socket 939। ठीक है, हर मॉडल की अलग सॉकेट होती है। इसी तरह से ये इसके अंदर जो न्यू पोर्ट्स हैं जो पहले मेंशन नहीं हुए आपको बता देता हूँ, ये VGA पोर्ट है। ठीक है, और ये आपकी जो नीचे वाली पोर्ट है वो आपकी है DVI पोर्ट। ठीक है, इसी तरह ये 7.1 साउंड कार्ड लगा हुआ है, ये 3.0 USB है और ये 4.0 USB है गाइस। ठीक है, ये जो स्लॉट है इसको हम कहते हैं PCI एक्सप्रेस स्लॉट यानी कि ये लेटेस्ट ग्राफिक स्लॉट। ठीक है गाइस, ये आपको बताने का मकसद ये है वेयरिंग कोर्स शुरू करने से पहले कि आप जो है इस चीज़ों के ऊपर पहले तो हो जाते हैं, इन चीज़ों को सीखें, इन चीज़ों को क्या क्या कहते हैं। बेसिकली रिपेयरिंग में जाने से पहले आपको इनकी बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए गाइस, ताकि आप जो है वो आगे जाके परेशानी का सबब ना बने। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा गाइस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।